शंकराचार्य अभी आप ज्ञानवापी जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं, प्रशासन आपको रोक रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा था? देखिए, हमने भी ये जानना चाहा था, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, बल्कि उन्होंने दीवार बना दी, कई अधिकारी एक साथ खड़े होकर के अकड़ गए कि आप नहीं निकल सकते हैं, दरवाजा बंद कर लिया, कोई अच्छा नहीं लगा, ये तो कोई तरीका नहीं है रोकने, लेकिन इसी तरह से हमको रोका था, तो ऐसे में हम क्या कर सकते थे, निकल रहे थे, दरवाजे पर हमको बलपूर्वक रोका, हमने पूछा कि भाई बताओ आप क्यों रोक रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, बस आश्चर्य हुआ हमको कि कोई जवाब नहीं, तो हमने कई बार पूछा उनको कि आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों रोक रहे हैं, कारण तो बताइए, बहुत कई बार पूछने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर 144 धारा लगी, इसीलिए हम आपको, हमने कहा 144 धारा तो चार लोगों से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हैं उनके लिए लगती, तो वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे दर्शनार्थी वहाँ अगल बगल में घूम रहे हैं, उनकी संख्या हजारों में, और नमाज पढ़ने वाले भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं, उनकी भी संख्या सैकड़ों हजारों में, तो वहाँ तो बहुत सारे लोग पहले से, और हम अंदर जाने के लिए कह नहीं रहे, हम तो बाहर जो सामान्य जनता के आने जाने का जगह है वहीं से परिक्रमा करेंगे, तो वहाँ तो हजारों लोग पहले से हैं, फिर उनके लिए 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है, और अगर हमारे लिए आप कहते भी हैं, मान लेते हैं एक बार कि आपको 144 तारा है, तो हम दो लोग चले जाएंगे, चार के ऊपर लागू होती है तारा, हम दो लोग चले जाएंगे, बाकी को रोक दीजिए, तो उन्होंने कहा ना आप जा ही नहीं सकते बस, तो हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, कारण बताइए, तो फिर उन्होंने कहा कि साहब जहाँ 144 धारा लगी होती है वहां जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, दो लोग भी जाएंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो देखिए इस तरह का कोई कानून है इसकी जानकारी हमको नहीं थी, और बाद में हमने पूछा भी जानकारों से, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहां दो लोग जाएं तो उनको परमिशन लेनी पड़े, लेकिन चूंकि बड़े अधिकारी थे एसीपी रैंक के, तो हमने सोचा कि अधिकारी हैं कह रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है हम अनुमति ले लेते हैं, तो हमने लेटर ड्राफ्ट करके दे दिया, तो उन्होंने लेटर तो ले लिया, कहा कि लेकिन हम रिसीव नहीं करेंगे, हम इसको आप ऑफिस में जाकर रिसीव करेंगे, खैर भी हम लोगों ने ऑफिस में मिले, अब 48 घंटे का समय बीत गया है, उन्होंने कोई हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और जाने से रोक रहे हैं, परिस्थिति यही है, इसमें क्या कानून है और क्या कानून नहीं है आपको नहीं, कोर्ट का एक फैसला भी आया है, और देखा जाए तो आपकी प्रार्थना एक तरह से भगवान ने सुनी है, जो व्यास जी के मंदिर में पूजा अर्चना सुनी है, देखिए इस तरह से हमको भगवान की परिक्रमा करने जाने से रोका जा रहा था, क्योंकि जो परिक्रमा हम नहीं कर रहे, ये तो परंपरा से हमारी होती चली आई है, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं, पौराणिक प्रमाण भी हैं, और धार्मिक प्रमाण भी हैं, और न्यायालयों में भी ये प्रमाणित है कि वहाँ परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को करने हम जा रहे थे, उसको इन्होंने रोक दिया, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे हमको परिक्रमा करने से रोका गया, वैसे ही व्यास जी को भी उनके स्वयं के मालिकाना वाले जगह पर पूजा करने जाने से कभी रोक दिया गया, तो अचानक प्रशासन ने उनसे चाबी छीन ली, पहले व्यास जी हमारे पास जब जीवित थे तब निरंतर आते थे और मदद मांगते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, स्वामी अभी मुक्त शरणानंद जी महाराज सरस्वती आप आए हुए हैं, कैसे हैं व्यास जी? अरे तबीयत ठीक नहीं है, जी वो भी सब दर्द दबा के खत्म हो गए, अरे दो प्रति उसकी करा दें, एक शंकर शंकर चैतन्य जी को देना है, ठीक है आप दे दीजिए हम करवा के आपको भेज देते हैं, एक तो उनको देना है राम नरेश आचार्य, दोनों को हम भेज देंगे आज ही भेज देंगे, जी जी कोई असुविधा तो नहीं है आपको, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, चिंता मत करिएगा, जी 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 बनेगा, फिर से बनेगा आपका स्थान बनेगा,
आप बस स्वस्थ बन रहो, आप स्वस्थ स्वस्थ रहिए आप। हाँ, नया भवन बनेगा उसमें चलना है आपको। हाँ जी जी, तो प्रशासन ने पहले उनको कहा कि आप यहाँ पे अपना पूजा नहीं कर सकते, सामान नहीं रख सकते। फिर उनसे कहा कि चाबी हमको दे दो, उन्होंने चाबी नहीं दी तो चाबी छीन ली गई। फिर उसके बाद ताला लगा दिया गया, फिर उनके साथ मस्ती की गई, उनकी पूजा रोक दी गई। तो जैसे उनको, जैसे हमको रोक रहे हैं ना, परंपरागत चीज हो रही है उसको आप करने से हमको रोक दे रहे हैं, उसी तरह से व्यास जी को भी रोक दिया गया। आपके यहाँ कौन कौन से देवता थे घर में और मंदिर में? 40 मूर्तियाँ थी। कौन कौन सी थी? हनुमान थे, राधा कृष्ण थे, शिव थे, विष्णु थे, लक्ष्मी थे, सूर्य नारायण थे। 40 मूर्तियाँ थी महाराज। वो कहाँ, 40 कहाँ चली गई? ध्वस्त कर दिया गया नितिन गोकान कमिश्नर ने। तो मूर्तियां भी गायब हो गई। हम तो चाहते हैं कि बनना चाहिए फिर से, और विश्व की धरोहर है वो जी। जर्मन, जापान, इटली, बेल्जियम से लोग आया करते थे। तो उस मूर्तियों में से एक भी मूर्ति बची नहीं है आपके पास, सब गायब कर दिया? एक भी नहीं है। वो पीतल के काले जी है सर। हाँ, पीतल वाली तो है। हाँ, एक काले जी कालका व्यास है। हाँ, उनके पूजे काले से पीतल। अच्छा, वो बच गई हैं, बाकी 40 मूर्तियाँ गायब हो गई। अनुसंधान संस्थान संस्थान है जी। काशी शोध अनुसंधान संस्थान संस्थान जी। फिर से भवन बनना चाहिए जी। जी ठीक है जी। तो हम समझते हैं कि हमारा जो भाव था उसको प्रशासन ने तो नहीं सुना, नहीं समझा, लेकिन भगवान ने सुना समझा। तो न्यायाधीश के मन में प्रेरणा थी। आज कम से कम व्यास जी को, जो अनधिकृत रूप से प्रशासन के द्वारा वंचित कर दिया गया था अपने स्थान पर जा करके पूजा अर्चना करने से, कम से कम उनको अनुमति मिल गई। तो ये जो अनधिकृत रूप से प्रशासन रोक रहा है, तो उसको तो जवाब तो मिला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो परिक्रमा करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे, हम अकेले थोड़े हैं, ये तो सदा से परिक्रमा होती है, लाखों लोग परिक्रमा कर चुके हैं और लाखों और करेंगे, तो परिक्रमा तो जारी रहेगी। तो व्यास जी के लिए कौन से न्यायालय ने फैसला दिया कि उनके मंदिर में? वाराणसी की जिला अदालत, जिला जो उनके नाती है, उन्होंने अर्जी डाल करके ये मांग की थी कि हमको वहाँ से पूजा से वंचित कर दिया गया है बिना किसी कारण के, हमको अवसर दिया जाए। तो उन्होंने कह दिया है कि 7 दिन के भीतर प्रशासन वहाँ पर जो बैरिकेटिंग कर दी गई, बंदी लगा दी गई, उसको सब हटा करके इनको। ये व्यास जी का घर है जिसमें व्यास जी इस समय रह रहे हैं। प्राचीन जो उनका घर था उसको तो प्रशासन ने तोड़ दिया, जैसा कि व्यास जी ने बताया आपको, किराए के मकान में एक कमरे में जो हमारे परंपरा का सबसे वरिष्ठ गुरु व्यास, उनकी परंपरा के व्यास जी की ये दशा करके रखी है प्रशासन ने और सरकार ने। लेकिन एक बात उसमें हमने अभी फैसला देखा, तो उसमें लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड है उसका पुजारी वहां जाकर के पूजा करेगा। ये न्यायाधीश ने किस आधार पर किया, ये भी थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो व्यास जी की स्वयं की मालिकाना वाली जगह है। तो जो मालिकाना वाली जगह है वहां पे न्यास बोर्ड क्यों प्रवेश करवा दे रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार की इसमें कुछ मंशा है, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पूजा के लिए कहा, इससे बड़ी एक आखिरी सवाल महाराज जी की, लंका थाने में, जेल में बहुत सारी मूर्तियां बंद है, थाने में कहते हैं बंद है शिव जी, और आप वहां पूजा करने जाते हैं, नियमित जाते हैं, भगवान कैसे यहां थाने में जेल में बंद है? असल में ये जो विश्वनाथ मंदिर है ये पूरा परिसर था, और इसमें सैकड़ों मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे, जिनका स्कंद पुराण में, काशी खंड में वर्णन है, ऐसे भी मंदिर थे हजारों साल जिनकी आयु बढ़ी जाती, और वैसे भी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत प्राचीन थे, 100 साल से तो सब प्राचीन थे, कोई 800 साल था, कोई
जो वर्तमान का निर्माण था, कोई 1000 साल था, कोई 1500 साल था, अब उन सब मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। ये जो कॉरिडोर बनाया गया ना उसके नाम पर, और उस समय तोड़े गए मंदिरों और उनके अंदर जो पूजित मूर्तियां थी उनको भी तोड़ करके मलबे में फेंक दिया। तो जब मलबे में फेंक दिया गया, वहां तक तो कोई जा नहीं सकता था क्योंकि घेरा लगा कर ये सब काम किया जा रहा था। तो जहाँ मलबा फेंका गया तो वहां पर हम पहुंचे और जाकर के हमने मूर्तियां उठा के बीन ली जो ऊपर ऊपर दिख रही थी, और उन मूर्तियों को हमने ले जा करके कहा कि ये हमारी पूजित मूर्तियां हैं और ये किसने तोड़ करके फेंकी है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करिए। तो लंका थाने में चूंकि वो स्थान था जहाँ पर वो फेंकी गई थी, इसलिए वाराणसी में एक लंका मोहल्ला है, वहाँ लंका थाना है, वहाँ पर हमने FIR दर्ज कराई, उसकी फर्द लगवाई और उन मूर्तियों को वहाँ पर रखा गया। उसके बाद फिर दोबारा एक बार फिर ऐसा अवसर आया जब मलबे में मूर्तियाँ फेंक दी गई, तो फिर हम गए और उन मूर्तियों को जो वहाँ पर ऊपर ऊपर बिखरी हुई मिली मलबे के ऊपर, सारा मलबा तो हम हटा नहीं सकते, तो जितनी मूर्तियां मिली वो 200-250 से ज़्यादा हैं, उन मूर्तियों को वहां रखा गया। और चूंकि वो मूर्तियां मंदिरों की थी, पूजित थी, तो इसीलिए हमने कहा कि इनकी पूजा निरंतर होनी चाहिए। प्रशासन के लोग तो नहीं मान रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम पूजा इसकी करते रहेंगे। तो उन्होंने थाने में उनको बरामद की बता करके माल समझ करके रखा है। हमारा पुजारी प्रतिदिन 3 साल के लगभग का समय हो गया, प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जाकर वहाँ उनकी पूजा करता है, करता है अभी भी, आज भी करता है। आज भी अगर आप थाने में जाएंगे और कहेंगे कि वो शिवलिंग कहाँ है तो आपको मिलेगा। पहले तो उनको एक कमरे में रखा गया, फिर अब धीरे धीरे वहाँ पर कुछ निर्माण उन्होंने नया किया है, एक मंदिर बनाया, मंदिर के बगल में उन्होंने अभी भी उनको रखा। हमने न्यायालय में अर्जी दे करके कहा था कि ये मूर्तियाँ थाने में अच्छी नहीं लग रही हैं, वहाँ सही से इनका अदब समाधान नहीं हो पा रहा है, आप इनको हमारे हैंड ओवर कर दीजिए, हम इनको मंडप में ले जा करके पूजा करते रहेंगे, और जब न्यायालय को आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय में जिम्मेदारी लेते हैं कि पेश करेंगे, ताकि इनके बारे में जो भी विचारणा की जानी है की जाए। न्यायालय में वो मुकदमा चला, पहले तो न्यायाधीश ने कहा कि ये मूर्तियाँ जो हैं खंडित हैं, इनकी पूजा नहीं हो सकती, खंडित मूर्ति की कैसे पूजा होगी। तो फिर हमने उनको पुराणों से प्रमाण दिखाए कि काशी में मूर्ति खंडित हो तब भी पूजा होती है। फिर जब उन्होंने ये प्रमाण देखे तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारा नाम लिया हमारे वकील को, कि अगर वो स्वयं आ करके हमारे सामने पेश हों और कहें कि हमको मूर्ति दे दीजिए, तब हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा भगवान के लिए न्यायालय को खड़े होने में उनको कोई आपत्ति नहीं, हम न्यायालय गए, जा करके न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत हुए कि हम स्वयं आए हैं, आप दे दीजिए। लेकिन उन्होंने फिर हमारे मुकदमे को, हमारी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि मूर्तियाँ आपको नहीं दी जा सकती हैं, तो ताने में ही हैं, वहीं पर हम उनकी पूजा अर्चना अपने पुजारी के माध्यम से करते। एक आखिरी सवाल, ये ASI का जो सर्वे रिपोर्ट आया है ज्ञान बापी के संदर्भ में, बहुत पॉजिटिव हिंदू समाज ले रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि ASI? देखिए, असल में ASI रिपोर्ट तो मतलब वैसे ही है कि जैसे आदमी सामने खड़ा है फिर भी हम फोटो में देख करके पहचानते हैं, वैसे ही जो हमारा ज्ञान बापी मंदिर है वो अपने आप, कोई भी एक व्यक्ति जा करके खड़ा हो जाएगा तो अपने आप वो मंदिर स्वयं पुकार पुकार के कह रहा है कि मैं मंदिर हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, न्यायालय कहता है तो अपनी एजेंसी से जांच करवाता है, ASI से जांच करवाई गई। अब जांच की जो रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन हमने किया और उसमें सारे वो प्रमाण हैं जो पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ये स्थान हम सनातन धर्मियों का है और यहाँ पर बड़ा पूजा स्थल कभी रहा है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो बदमे पर आया है। परिस्थिति बड़ी विकट है, एक तरफ कहा जाता है कि हिंदुओं का राज हो रहा है, लेकिन एक तरफ जो श्रद्धावान जो हिंदू उनकी श्रद्धा को कुचला भी जा रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसलिए बड़ी पीड़ा है। ये सब घटनाएं भी साथ साथ चल रही, कभी औरंगजेब मंदिर तोड़ता है और कभी वो मंदिर तोड़ देता है जिससे हम आशा करते हैं कि रक्षा करें, तो कठिन परिस्थिति है। इसी बीच में अपने भगवान की याद हम सबको करना है, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी परिक्रमा है जिससे हमको अभी फिलहाल प्रशासन ने रोक रखा है, इस परिक्रमा को जो हमारे हिंदू भाई सदा से करते चले आए हैं चालू रखें। ASI में एक और है महाराज जी, एक लाइन के ऊपर बात है कि जो सरफेस पे जो उसका हम सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि काफी कॉरिडोर जो बना है काफी सारे साक्ष्य नष्ट हो चुके हैं, तो अब आगे नहीं हो सकता। ये बात तो सही है क्योंकि तो कॉरिडोर बनाते समय खुदाई करके जो कुछ वहाँ नीचे था, बहुत सारी मूर्तियां निकली, बहुत सारी दूसरे भी वहाँ पर
अवशेष निकले जिनका अध्ययन करके जाना जा सकता। जो पुरातत्व के जानकार लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में हम लोगों से बताया कि बहुत सारी अध्ययन की सामग्री थी लेकिन अब सब निकाल करके फेंक दी गई। तो हम तो समझते हैं कि अगर इस बात का पता चले कि वो मलबा कहाँ कहाँ फेंका गया है, क्योंकि सब जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, जहाँ जहाँ वो मलबा फेंका गया है अगर वहाँ पर उन मलबे को फिर से संरक्षित करके फिर से उसको बिखेर करके उसको जांचा जाए तो शायद वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो कौन करेगा पता नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन करेगा पता नहीं। और हिंदुओं के सामने ये है कि उसकी आस्था कुचली जा रही है, उसके धर्म के नाम पर ही कुचली जा रही है और हिंदू उसको समझ नहीं पा रहा। अपने धर्म गुरुओं को वो कई बार अपशब्द बोल देता है। अब हिंदू इस मनस्थिति से कैसे जूझे कैसे निकले तो शंकराचार्य जी को ही सोचना होगा, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में वही धर्म ध्वज है। देखिए बात यह है कि बात सही है। अब हम लोग संगठन बनाए, संगठन बना करके घर घर में अपनी बात को पहुंचाए तब ये हो सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने कार्यकर्ता बढ़ा लिए हैं संगठन बना के और हर घर उनकी पहुंच हो गई, तो हर घर में जाके वो बात कर पा रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बात हमारी हिंदू जनता को बता दी जाती है हिंदू जनता समझती है शायद यही होगा। हमारी जो आवाज है वो सबके पास पहुँच नहीं पा रही है, जो सच्चाई है वो जा नहीं पा रही, इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब शंकराचार्य या तो संगठन बनाए, संगठन बना के घर घर पहुंचे, अगर संगठन बना लेंगे और घर घर पहुंचने लगेंगे तो फिर कहीं राजनेता ही ना बन जाए, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अपने जो मूल स्वरूप को संरक्षित रखना भी हमारा काम है, इसलिए हम ये कर नहीं सकते। तो ऐसी ही परिस्थिति है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं जानते हैं कि जो सच्चाई है वो कभी खत्म नहीं होती, एक समय आ जाता है। देखिए आंधी आती है तो जो फर्श है उसके ऊपर धूल मिट्टी आकर के गर्द जम जाती है, उसके असली स्वरूप को तिरोहित कर देती है, लेकिन आंधी तो थोड़ी देर की ही होती है ना, फिर तो वो हट जाती है, उसके बाद तो झाड़ू पोछा लग जाता है। तो हम समझते हैं कि आंधी है, बहुत सारा धूल, बहुत सारी धूल, बहुत सारा गुबार गर्द आकर के जम रहा है, लेकिन ये आंधी तो आंधी ही है, थोड़ी देर ही जाएगी, बहुत देर नहीं रह सकती, इसको तो बंद होना ही है। जब बंद होगी तो फिर से झाड़ू पोछा लगेगा, फिर से बातें अपनी अपनी जगह। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने उस समय के समाज में एक सनातन धर्म लुप्त जैसा हो रहा था, उन्होंने पुनः उसको उजागर किया। मुझे लगता है कि आगे ऐसा समय आएगा कि चारों शंकराचार्य मिलकर पुनः सनातन की स्थापना एक बार करेंगे। है सनातन लेकिन लोगों को पॉलिटिकल सनातन समझ में आता है, धर्म सनातन का जो वास्तविक रूप है वो नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि आदि शंकराचार्य जी की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के कंधे पर है और उसी से हिंदू समाज का कल्याण है। खूब अच्छा अच्छा व्यंजन का चित्र और अच्छे अच्छे व्यंजनों की कृतियां बना करके हम बच्चे के सामने रखें, हलवा हो, पूरी हो, कचौड़ी हो, पकौड़ी हो, जाने क्या क्या, तो बच्चा देख उस चित्र को देख के बड़ा प्रसन्न होगा, ठीक है, पोस्ट कर देगा आजकल के जमाने में, फोटो खींच कर हाथ में पकड़ लेगा, खूब खेलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो भूख लगेगी ना तब उसको असली भोजन की जरूरत पड़ जाएगी और नकली बनावटी जो व्यंजन है उससे उसका काम नहीं चलेगा। तो भूख तो थोड़ी देर बाद लगी जाती है, थोड़ी देर ही तक पेट में रहती है। तो ऐसे ही जो अध्यात्म की आकांक्षा है वो थोड़ी देर के लिए अभी तिरोहित हो गई है, लेकिन जब असली आकांक्षा जागेगी लोगों को तो नकली चीजों से पेट नहीं भरेगा, उनको असली जगह पे जाना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी।